और इधर छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कबासी लखमा की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। कबासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बंसल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पैसे बांटते हुए वो कबासी लखमा का एक फोटो सामने आया था, जिसे बंसल न्यूज ने भी प्रमुखता के साथ खबर के साथ दिखाया था और इसको लेकर बयानबाजी भी हुई थी। और अब खबर ये आ रही है कि कबासी लखमा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसे में अब कबासी लखमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कबासी लखमा की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे थे और उसके बाहर पैसे देते हुए नजर आ रहे थे। अब खबर आ रही है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या कुछ अपडेट है? कबासी लखमा की क्या मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए आचार संहिता लग चुकी है और कबासी लखमा को काफी देर से कांग्रेस ने बस्तर का प्रत्याशी घोषित किया था। जब ये बस्तर के प्रत्याशी घोषित हुए उसके बाद बस्तर पहुंचे थे, जगदलपुर में इन्होंने दर्शन किया था और दर्शन के बाद वहां पर पैसे बांटने का वीडियो जो है वो वायरल हुआ था और इसे बंसल न्यूज ने भी प्रमुखता से दिखाया था कि आचार संहिता के दौरान ये किस तरीके से पैसे बांट रहे हैं, जिसे कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर ने प्रमुखता से संज्ञान पर लिया और इसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल है कवासी लखमा के लिए, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन कहीं ना कहीं सीधे प्रत्याशी के ऊपर असर डालता है और वो असर आने वाले समय में जब प्रचार प्रसार होगा तो हर एक एक पल के लिए जो ऑब्जर्वर है जो उनके ऊपर नजर बना के रखेंगे। और कल यदि हम बात करें तो 27 तारीख को एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस भी करने जा रही है। कवासी लखमा जो है वो शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो हर एक बिंदु पर जो है अब आयोग की जो है वो नजर रहेगी और कवासी लखमा की मुश्किलें जो है वो बढ़ते जा रही है। चलिए शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए।